नमस्कार, मेरा जी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम जेट आईआई द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय की पुस्तक बाल भारती के पाठ 9 मैं कितनी हूँ पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि मैं कौन हूँ का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और अपनी कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को जेट आईआईटी के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूँ से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि मैं तितली हूँ आत्मकथात्मक शैली में वर्णित तितली और उसकी विशेषताओं पर आधारित पाठ है। इसमें परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं के माध्यम से हिंदी के साथ पर्यावरण अध्ययन विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता, इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र चित्र पहेलियों और संकेतों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाते हैं और चिंतन और विश्लेषण क्षमता का विकास करते हैं, जिसे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से वे समझ पाते हैं। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में निहित नाम वाले शब्द पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन हेतु लागू करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और फिर पूर्व प्रबंधन के तौर पर शिक्षक तितली फूल आदि के चित्र या फ्लैश कार्ड की व्यवस्था करते हैं। मैं कौन हूँ गतिविधि के निर्देश, पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पूर्व शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों ने मैं तितली हूँ पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से समझ बना ली है और छात्रों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। किसी एक छात्र को कोई एक चित्र की पर्ची दी जाती है, पर्ची वाला छात्र कक्षा के अन्य छात्रों को बिना चित्र को दिखाए कुछ सांकेतिक प्रश्न करता है और विभिन्न तरह के सांकेतिक प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करता है। आइए इस क्रियान्वयन को उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक छात्र को तितली की पर्ची देते हैं। अवैध विद्यार्थी पर्ची वाले विद्यार्थी से पूछते हैं, क्या मैं पाठ से जुड़ी कोई चीज हूं? पर्ची वाला विद्यार्थी, हाँ। क्या मैं कोई जानवर हूं? पर्ची वाला विद्यार्थी बोलता है, नहीं। अन्य विद्यार्थी, क्या मैं उड़ता हूं? पर्ची वाला विद्यार्थी, हाँ। अन्य विद्यार्थी, क्या मैं तितली हूं? पर्ची वाला विद्यार्थी बोलता है, हाँ, सही उत्तर। इसी तरह शिक्षक विभिन्न चित्रों, पहेलियों और सांकेतिक प्रश्नों की मदद से अनुमान लगाते हुए पाठ के नाम से परिचय करवाते हैं और नाम वाले शब्दों की जानकारी को दोहराते हैं। आइए जानते हैं इस नवाचार के लागू होने से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। मैं कौन हूँ गतिविधि विभिन्न चित्रों, पहेलियों और सांकेतिक प्रश्नों के प्रयोगात्मक अभ्यास और अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाने में सहायक है। विषय वस्तु से जुड़े शब्दों का सही उच्चारण करना और लिखना तथा वाक्य बनाना सीखते हैं। छात्र आसपास घटित होने वाली घटनाओं तथा पढ़ी व सुनी हुई कहानी या कविता के बारे में बातचीत करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इससे भाषा और विषय वस्तु की समझ विकसित होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में शिष्टाचार और विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और गहन सोच एवं सृजनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक मैं तितली हूँ पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जेट आईआईटीआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जेट आईआईटीआई के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।